आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दिवसीय दौरा ब्रजेश पाठक ने अस्पताल का किया निरीक्षण। खेड़ी स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ पर लगे आरोप, कर्मचारियों ने लगाए निजी काम करवाने के गंभीर आरोप। सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले किया गया प्रदर्शन, पूर्व सैनिकों ने किया जमकर प्रदर्शन, एसएम और होमगार्ड पर लगाए अभद्रता के आरोप। शालीमार गार्डन में लगी आग, आग की चपेट में आए दुकान और फ्लैट। यूपी में एक बार फिर बड़े कोरोना केस, स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। हमीरपुर में एक दिवसीय दौरे पर आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मौदहा सीएससी अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएससी का निरीक्षण करने के साथ ही उन्होंने आयुष्मान कार्ड काउंटर पर जाकर जायजा भी लिया, साथ ही बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को बुंदेलखंड में धरातल पर लाना ही उनका उद्देश्य है। खबर हरदोई से है, जहां पूर्व सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने एसडीएम सदर और होमगार्ड पर अभद्रता का आरोप लगाए हैं। और इस दौरान एसडीएम ने ऑफिस से चिल्लाते हुए निकलकर पूर्व सैनिकों को कोतवाली में बंद करने के निर्देश दिए, जिसके बाद शहर कोतवाली में पूर्व सैनिक अध्यक्ष अशोक अग्निहोत्री और उमेश यादव को घंटों बैठाया गया, जिसे नाराज पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया और एसडीएम का तबादला और होमगार्ड को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही पूर्व सैनिकों ने रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और डीजीपी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। क्रम में आज जनपद के समस्त पूर्व सैनिकों के साथ मैं आया था यहाँ पे, और जिलाधिकारी महोदय ने पहले हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया तो हम लोग अंदर गए, हमने उनको ज्ञापन सौंपा। साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि उप जिलाधिकारी महोदया तथा होमगार्ड के खिलाफ मैं एक्शन लूंगा हर हालत में, आप निश्चिंत हो जाएं, मैं जल्द ही इसका आपको फल बताऊंगा। फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल के प्रांगण में कच्चे और पक्के कर्मचारियों ने खेड़ी क्षेत्र के एसएमए डॉक्टर हरजिंदर के खिलाफ कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। इस मौके पर नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए साफ किया कि अगर डॉक्टर हरजिंदर द्वारा कर्मचारियों का शोषण बंद नहीं किया गया तो वो हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। वही एचएमओ डॉक्टर हरजिंदर पर आरोप है कि वह कर्मचारियों पर अपने निजी काम करवाने का दबाव बनाता है और मना करने पर उनके खिलाफ गलत रिपोर्ट बनाकर भेजता है। दो कर्मचारी हैं हमारे खेड़ी कला से, उनको डॉक्टर हरजिंदर ने निकाल दिया, सीधे तौर पे मना कर दिया कि इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। जब पे कर्मचारियों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि कर्मचारी कम पड़ रहे हैं, जगह जगह पे गंदगी पड़ी होती है, अगर सही तरीके से काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तो यही है ना कि कर्मचारियों की कमी है, और उस चीज़ को वो साफ शब्दों पे लिखते हैं कि नॉट रिकमेंडेड, तो कि हमें ज़रूरत नहीं है, तो कर्मचारियों की भी ज़रूरत है। दूसरी बात, हम लोग बस रिक्वेस्ट करने गए थे प्रधान जी के साथ कि आप, क्योंकि 2 बजे यहाँ आ जाते हैं, तो 2 बजे जैसे आए हमने फ़ोन किया है पहले इनको, इन्होंने मुझे बोला कि मैं यहीं सीएमओ ऑफिस में हूँ। हमारे बीके के कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग के, कच्चे और पक्के कर्मचारी जो 3/4 क्लास के कर्मचारी हैं। एक्चुअली 2 कर्मचारियों को जो खेड़ी का एसएमओ है हरजिंदर, उसने उनकी जो एचकेआरएनएल पर रिपोर्ट मांगी जाती है वो उन कर्मचारियों के विरुद्ध लिख दी,
और इसलिए लिखी कि इन कर्मचारियों ने उसका निजी कार्य करने से मना कर दिया। वह इन कर्मचारियों को अपने घर पर और उसने एक 5 नंबर में एक अपना ऑफिस खोल रखा है। सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ वो प्राइवेट काम भी करता है, वहाँ काम करने के लिए भेजता था। इन्होंने मना किया तो इनके खिलाफ उसने लिख करके भेज दी कि इन कर्मचारियों का कार्य आचरण ठीक नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्कूटी और कार की मामूली टक्कर की वजह से दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में हंगामा मच गया और कुछ युवकों ने पुलिस चौकी के सामने उत्पात मचाया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़ा और थाने ले आई। इसके बाद वे शांत नहीं हुए और चौकी में भी मारपीट करने लगे। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 4 को हिरासत में ले लिया गया है। आज सुबह थाना अंतर्गत मुगलसराय कस्बे में कार और स्कूटी के बीच में थोड़ा सा टच हो जाने के संबंध में विवाद हो गया था दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों ने हाथापाई किया और कार का शीशा भी तोड़ दिया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा इस संबंध में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हरदोई के अरवल इलाके में एक अधेड़ के खेत में बंदे होने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं खेत में पड़े अधेड़ की पत्नी शोरगुल मचाती दिख रही है। प्रधानी के रंजिश में गांव के प्रधान समेत 5 पर मारपीट बांधने का आरोप है। फिलहाल मामले में तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक किसी ने यह घटना नहीं देखी, फिर भी पीड़ित ने प्रधानी की रंजिश में घटना होना बताया है। SSP पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अधेड़ रस्सी से बंधा हुआ पड़ा है, जिसने गाँव के प्रधान समेत 5 लोगों पर आरोप लगाया है। पुलिस तहरीर मिलने के बाद मामले की जाँच में जुटी हुई है। मारपीट करने और फांसी लगाने का इस पूरे मामले में आरोप है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। क्या पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और किस वजह से घटना को अंजाम दिया? ये ग्राम खड़गपुर है, थाना अरवल क्षेत्र में। यहाँ पे कौशलेंद्र त्रिपाठी हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि गांव के ही प्रधान समेत 5 लोगों ने इनको फसलों के दम पर बंधक बनाया और इनको खेत में बांध के छोड़ के चले गए। इनका ये कहना है कि ये पुरानी रंजिश प्रधानी के इलेक्शन के समय की है, उसकी वजह से बंधक बनाए हैं। प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुआ है, इसकी जांच करके इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। गाजियाबाद में शादीशुदा कामकाजी महिला को गोली मारने वाले आरोपी को उसके दोस्त के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस आरोपी ने महिला को इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि उसने इसके साथ होटल में आकर संबंध बनाने से मना कर दिया था। दरअसल शादाब में एक महिला को उस समय गोली मारी थी जब वह अपने काम पर थी। महिला की हालत फिलहाल गंभीर है और वह दिल्ली में एडमिट है। महिला ने आरोप लगाया था शादाब उसके साथ संबंध बनाना चाहता था और उसे होटल बुलाता था। उसके होटल न जाने पर कई बार उसे फोन पर पिस्टल के फोटो भेजी और उसके घर आसपास आकर पिस्टल घुमाते हुए दिखता था, जिससे यह महिला डर जाए। लेकिन यह महिला डरी नहीं, तो आखिर शादाब ने अपने नापाक मंसूबे पूरा न होते देख कल इस महिला को गोली मारकर हत्या कर दी। इत्तेफाक की बात यह है कि महिला को गोली मारने वाले शादाब को गिरफ्तार करने वाली टीम में 2 अधिकारी महिला, जिसमें ACP कोतवाली और एक SHO विजय नगर है। पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला के ऊपर जान से मारने के निमित्त से फायरिंग किया गया है। इसी सूचना पर तत्काल मौका मुआयना किया गया और अस्पताल में इसको भर्ती कराया गया और जानकारी करने पर पता चला कि महिला के द्वारा बताया गया एक शादाब नाम का व्यक्ति है जो पिछले काफी समय से उसके साथ में संपर्क में भी था और परेशान कर रहा था, जबरदस्ती उससे मिलने की या संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। उसी ने कल आकर के इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद से तत्काल परिजनों की तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया, टीमें गठित की गई थी। इसी के क्रम में आज दिनांक 29 तारीख को विजयनगर पुलिस के द्वारा इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक व्यक्ति शादाब और दूसरा उसका साथी लक्ष्मण है। इनसे पूछताछ करने पर भी यह प्रकाश में आया कि ये पिछले काफी टाइम से संपर्क में थे उस महिला के साथ में और ये जबरदस्ती उसके साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। उसके मना करने पर उसने अपने दोस्त लक्ष्मण के साथ में मिलकर के ये योजना बनाई और इस घटना को अंजाम दिया। इनके पास से 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं, एक 32 बोल्ट और एक 315 बोल्ट का है, जिसमें एक मौका भी
मेरे साथ आपने गोली मारी है। तो आप कौन कहाँ रहता है? मिर्जापुर का लड़का है। अच्छा। हाँ। क्या हुआ था, क्या हुआ? वो पहले एक साल पहले मैं साय के काम करती थी, शादी ब्याह में रोटी बनाने जाती थी, तो उसने किसी से मेरा नंबर ले लिया। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना रामपुर क्षेत्र में महिला संग हुई लूट का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अभिमन्यु मांगली ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया, पूरा मामला सोनाटा कंपनी में कलेक्शन का कार्य कर रही महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य तीन आरोपियों को रामपुर पुलिस ने 12 घंटे में गिरफ्तार किया है, जिसमें से आरोपियों के पास से एक तमंचा सहित लूट की नकदी के साथ तीन मोटरसाइकिल व सोनाटा कंपनी में कार्य कर रही महिला का आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है। बता दें, पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी हां, रामपुर मनियारा पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाते हुए कल दोपहर में करीब 11:30-12 के अराउंड एक महिला के साथ, जो सोनाटा फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट का काम करती हैं, उनके साथ लूट हुई थी। तुरंत हमारी सर्विलेंस एक्टिव हुई, तुरंत हमारी जो एसओजी टीम है वो भी एक्टिव हुई, सरामपुर मनियारन टीम भी एक्टिव हो गई, और ये 12 घंटे के अंदर ही अंदर इन्होंने खुलासा कर दिया। इसमें लूट की घटना कारित करने वाले तीन अभियुक्त थे हमारे, इसमें से सचिन और सौरभ साचलू गांव जो है, जहाँ पे साचलू गांव वो भी है जहाँ से ये महिला कलेक्शन करती थी, और कल भी इसने वहाँ से कलेक्शन किया था। साचलू गांव के रहने वाले हैं ये, पहले ही इस महिला का पैटर्न ऑब्जर्व कर चुके थे, क्योंकि ये महिला हर एक मंगलवार छोड़कर वहाँ पे उसका वही रूट रहता था कलेक्शन का। और इनके साथ एक सहायक था टिंकू, ये बड़गांव थाना क्षेत्र का रहने वाला है, महेशपुर गांव का, ये सौरभ के टच में था। इन दोनों ने एक मोटरसाइकिल पे थे सौरभ और टिंकू, और एक मोटरसाइकिल में सचिन था। अम्बेडकर नगर में एक दिवसीय दौरे पर युवा कल्याण एवं खेलकूद स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव पहुंचे, जहां उन्होंने जिले की 5 विधानसभा के विधायक के साथ जिला योजना समिति को लेकर समीक्षा बैठक की, साथ ही संयुक्त जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। राज्य मंत्री द्वारा अस्पताल निरीक्षण करते समय मरीजों से हालचाल जाना और उनकी समस्याएं सुनी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य के प्रति बहुत वो लगाव है कि ऐसे लोगों के चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, कमज़ोर हों, असहाय हों, जहां मूलभूत सुविधा जिस जिले में वंचित हो, इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की बात हम लोगों ने कहा कि एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, उसी के साथ साथ जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों तो उनको उच्चीकरण किया जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो उसको भी उच्चीकरण किया जाए, जहाँ अस्पताल में मूलभूत सुविधाएँ वंचित हो, डायलिसिस की व्यवस्था न हो, सिटी स्कैन न हो, एमआरआई न हो, कलर डॉपलर एक्सरे की व्यवस्था न हो, उनको भी हम उच्चीकरण कर रहे हैं। स्वास्थ्य की सुविधाओं को पूरा ध्यान में रखकर हमारी सरकार काम कर रही है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में बने शालीमार गार्डन में अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में यहां बनी दो दुकानें और फर्स्ट फ्लोर पर बने तीन फ्लैट भी चपेट में आ गए। आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। भीषण आग और धुएं को देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। डीसीपी ट्रांस हेंडन के अनुसार यहां चल रहे बुटीक और सिलाई के संस्थान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। वहीं फायर कर्मियों द्वारा तत्परता दिखाते हुए दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। ये शालीमार गार्डन के शिव चौक क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बुटीक और सिलाई का प्रतिष्ठान था। संभवतः प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत होता है कि वहीं पे शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लगी है, और इसमें बड़ी तत्परता से 2:15 पर जैसे ही हमारे फायर ब्रिगेड और थाना फोर्स को सूचना मिली थी, उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाते हुए आग को नियंत्रित कर लिया है, और इसमें किसी भी प्रकार की किसी को चोट अथवा किसी जान की हानि की ऐसी कोई सूचना नहीं है। कोरोना वायरस की आहट देखते हुए यूपी सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अपने अधिकारी ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट की गई है और कहा है कि प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 को देखते हुए सक्रिय भूमिका में रहें। इसके साथ ही उनके द्वारा पहले से बनाए गए कोविड-19 अस्पतालों को क्रियाशील कर दें, साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को भी सुचारू रूप से गतिशील बनाए रखने के लिए भी निर्देश दिए। वहीं रायबरेली मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का कहना है कि शासन की तरफ से आदेश प्राप्त हुआ है, उसको लेकर हमारी
तैयारी पूरी है। निगरानी समितियों को एक्टिवेट कर दिया गया है। जो हॉस्पिटल बनाए गए थे उन पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिला अस्पताल को L2 सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भी बेड की संख्या तय कर दी गई है। जहाँ तक तैयारी की बात है तो हम लोगों ने अपने तरफ से पूरी तैयारी, गाइडलाइन भी शासन की जारी हो गई है, उसके अनुसार पूरी तैयारी कर रहे हैं। निगरानी समितियों को एक्टिवेट कर दिया गया है, अस्पतालों को चौकन्ना कर दिया गया है कि अपनी जो भी कोविड की तैयारी में संसाधन है उसको एक बार चेक कर लें। मॉकड्रिल भी होने वाला है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे सभी PHC और CHC पे उपलब्ध हैं। कोविड डेडिकेटेड कोविड वार्ड हमारे 4 CHCOs पे कार्यरत हैं। योगी सरकार की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देशन पर नवरात्र के अष्टमी के दिन जनपद के 20 मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ शुरू हुआ। शहर के ITI में स्थित अष्टदात्री दुर्गा मंदिर में सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा और सदर तहसीलदार अनिल पाठक ने पहुंचकर विधिपूर्वक देवी मंदिर में पूजा की। जिला प्रशासन के द्वारा रामचरितमानस का पाठ करने से उत्साहित स्थानीय लोगों ने योगी सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से योगी सरकार लोगों के धर्म के प्रति जागरूकता फैला रही है उससे आने वाली पीढ़ियां हमारी संस्कृति व संस्कारों से विमुख नहीं होंगी। संभल में दिव्य सेवा आश्रम और संभल जिलाधिकारी के प्रयासों से 3 गरीब और बेसहारों को घर बनाकर उनको सौंपे गए हैं। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार के हाथों से गरीब परिवारों को चाबी सौंपी गई। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार ने कहा कि ये एक ऐसी अद्भुत मिसाल है जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगी। दिव्य सेवा आश्रम जो बनाया है ये प्रशासन और लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन से कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने जो मिलकर 10 परिवारों के लिए घर बनाने का संकल्प किया, उसमें से 3 घर बना के दे भी दिए और बाकी अभी निर्माणाधीन है। ये एक बहुत बेहतर उदाहरण है कि हम समुदाय के सहयोग से कितना बेहतर कर सकते हैं। संभल ने एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं जिलाधिकारी, उनकी पूरी टीम और जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया एक साथ मिलकर, उन सबको बधाई और धन्यवाद दोनों देना चाहता हूँ। एक बेहतरीन उदाहरण है कि हम अपने समाज में हर एक व्यक्ति का किस तरीके से ध्यान रखें और जो भी जिनके पास भी थोड़ी सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य का उपयोग उनको समर्थ बनाने के लिए करें जो थोड़ी खराब कंडीशन में है, तो हम एक बराबर का सामंजस्यपूर्ण और समतापूर्ण विकास कर सकें। खबर देवरिया से है जहां 22 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिकारी कार्यालय के सामने भारतीय सर्वजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक निषाद के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ। इस दौरान लोगों ने अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी का आज धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ। 22 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी देवरिया को सौंपा गया है। भारतीय सर्वजन पार्टी की पहली मांग है सतह जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए और गौरी बाजार में होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोला जाए। देवरिया गोरखपुर मार्ग पर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक खंडपीठ की स्थापना किया जाए गोरखपुर में, हाईकोर्ट की एक खंडपीठ की इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना किया जाए देवरिया में। गरीब अनपढ़ असहाय लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर लोन दिलाने के नाम पर ब्याज पर 20% पर पैसे देकर उनकी बेशकीमती जमीन को हथियाने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल पूरा मामला रायबरेली के थाना क्षेत्र के पोठई थाना डीह रायबरेली का है, जहां कई पीड़ितों ने एक व्यक्ति जो कि मिल एरिया का रहने वाला है और राजू बिहारी के नाम से जाना जाता है, ये व्यक्ति काफी सरहंग और दबंग व्यक्ति बताया जाता है जो अपने गुर्गों के बल पर पहले तो गरीबों को बहला फुसला कर अपनी मकड़ी के जाल में फंसाता है और फिर उन्हें लोन दिलाने के नाम पर 20% पर पैसा देकर उनकी जमीन अपने नाम लिखवा लेता है। जहां आज पीड़ित परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो पैसा हमने ब्याज पर दिया था उसको उसने 20% पर देकर हमसे सादे स्टंप पर साइन करा लिया है। बंधन बैंक के नाम से। अच्छा,
उस पर इन्होंने कहा चलो बंधन बैंक स्टाम्प दे दो 500 का, मैं तुमको 3 लाख का लोन दिलाता हूँ। सर लोन भी नहीं दिलाया, उसके बाद उसको एग्रीमेंट पेपर तैयार कर रहा है, एक राहुल जितेंद्र की पत्नी है पासवान, वो उनकी रखाए है, तो उनको आगे करके हमको सर ब्लैकमेल कर रहे हैं। उसमें पेपर में लिखवाया कि खेत गाय घोड़ा चार दस लोगों ने कर दिले थे, हमने पैसा दे दिया, अभी भी हमको सही से मतलब बहुत दबाव बना रहे हैं, थाने बंद करवा रहे हैं, सर यहाँ बंद करवा रहे हैं, बहुत दबाव बना रहे हैं। कौन है राजू बिहारी? राजू बिहारी गुंडा डबल टाइप का आदमी है। तो क्यों साइन किया था तुमने, क्या कहा था उनने? उन्होंने कहा कि बस साइन कर दीजिए, हम ऐसा कुछ मामला नहीं करेंगे, लेकिन वो एफ आई आर कर रहे हैं सर, कहीं वहाँ कहीं यहाँ। कहाँ स्टाम्प पे साइन किस लिए किया था? कुछ मांगा था, पैसा वैसा लिया था? पैसा हमने मांगा था, उन्होंने कहा स्टाम्प पे साइन कर दीजिए, सादे स्टाम्प पे साइन कराया, चेक में भी ले लिया। रायबरेली की कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना से गोकशी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त अकबर अली को गोकशी करते हुए थाना क्षेत्र के अरखा के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को आरोपी के पास से एक गोवंश मिला है, साथ ही गोकशी के इस्तेमाल करने वाला गडासा भी बरामद किया गया है। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।